हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। एक बार की बात है जब एक जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहाँ के सारे जानवर वहाँ से भागने लगे और डरने भी लगे, एक दूसरे से हिंसक हो गए। एक हाथी भागता हुआ जा रहा था, हाथी का बच्चा वहीं रह गया। वह भी डर के से वहाँ से भाग रहा था। वहाँ के शेर चीता जो भी थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। गाय थी वो चिल्ला रही थी, एक बड़ी ही सीधी सी गाय धीरे धीरे वहाँ से जा रही थी, लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। डायनासोर भी वहाँ से भाग रहा था। जब वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हो रही थी और कोई भी जानवर वहाँ का सुरक्षित नहीं था, तो वहाँ लोगों ने एक योजना बनाई कि चलो हम गांव के निवासियों के पास जाते हैं। गांव में एक सरपंच थे, उन्होंने कहा कि चलो हम इसका कुछ निवारण करेंगे और इस जो तूफान आया है उसको हम कैसे भी करके यहाँ से दूर भगाएंगे। फिर स्वामी जी कहते हैं कि हम लोगों को थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना होगा, इस वजह से क्या पता सूर्य भगवान और अग्नि पवन देवता हमसे खुश हो जाएं और हमारे इस दुविधा को दूर करें। फिर वहाँ पे एक चमत्कार होता है और बाबा जी अपने घर जाकर वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, यहाँ पे इस गांव की रक्षा कर दीजिए। यहाँ पे बहुत साल दिनों से तूफान आ गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। सारे जानवर यहाँ से भाग रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अच्छे से नहीं रह रहा है। हे भगवान, मेरी बात को सुनिएगा और इन छोटे जानवरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। वहाँ का हर व्यक्ति यही कहता है, हाँ स्वामी जी, आपने जो किया है वो हमने सारे काम किए हैं, लेकिन यह तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज़ बरोज़ यह तूफान बढ़ता हुआ जा रहा है। एक गांव की महिला जब ऊपर देखती है तो वहाँ पे उसी तूफान में दो पक्षी उड़ते हुए जाते हैं। तब तक वहाँ पे एक चमत्कार होता है, वहाँ पे एक भगवान का भेजा हुआ मेमना आता है और वहाँ पर फूल भी खिलते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।